आप हमसे सॉरी बोलवा रहे हैं। तुम कान पकड़ो कि अब नहीं नाराज होगा। अब नहीं नाराज होगी। कान पकड़ो। अरे तो हमारा कान नहीं पकड़ना है ना, अपना कान पकड़ो अपना। नहीं आँखें आएंगे। क्या? आँखें आएंगे, नहीं खाएंगे अपने हाथ से, अपने हाथों से आँखें आएंगे। थोड़ा तेज बोलिए, क्या कह रही हो? अपने हाथों से खिलाइए, खिलाइए हमको। तुम प्यार करती हो मुझसे? हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे सोनम ऋतिक ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों रात हो गया है, काफ़ी रात हो गया। तो दोस्तों हमारी बीबी में और मुझसे थोड़ा झगड़ा हो गया था, जो कि मैं अपनी पत्नी को मार दिया। तो नाराज़ हो गई हैं, मुझसे खाना भी नहीं खा रही हैं दोस्तों। और क्या रीज़न था दोस्तों आप सभी को बताऊँगा, मैं क्यों उनको मारा आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे बस ब्लॉग में देखते रहना और पूरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है वीडियो, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों कि मैं उनको क्यों मारा, वो भी लाइफ में पहली बार उनको मारा हूँ दोस्तों। जो कि दोस्तों प्रेगनेंसी में शायद आप लोग को पता ही होगा कि पपीता नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों मैं गया था मार्केट में, वहाँ पे जो कि पपीता मैंने 10 रुपया का वहाँ से लिया, और मैं और मेरा छोटा वाला बाबू हम दोनों खा लिए पपीता। लेकिन ये भी वहाँ पे खड़ी थी, बोल रही थी कि हमको भी खाना है। तो दोस्तों मैं इनको मना करा था कि नहीं तुमको खाना है, तो बोले ये क्यों, तो मैं बोला कि चलिए घर पे मैं बताऊँगा तुमको क्यों नहीं खाना है। तो दोस्तों ये बोलने लगी, जिद करने लगी, तो बोली कि पपीता ले लो, हमको खाना है। तो मैं बोला कि दोस्तों नहीं, पपीता नहीं खा जाता है, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि घर पे जाऊंगा तो इनको समझाऊंगा, पर ये समझ नहीं रही थी हमारी बातों को। तो मैं घर पे आ गया तो दोस्तों बहुत मतलब बहस होने लगा, तो थोड़ा मैं मार दिया दोस्तों। तो इसीलिए वो नाराज़ है, खाना भी नहीं खाई हुई है अभी तक। और दोस्तों पपीता नहीं खा जाता है प्रेगनेंसी में, साथ हमको इतना जानकारी है दोस्तों कि पपीता नहीं खा जाता है, पर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों आप सभी को लेकर चलते हैं, उनको मनाते हैं, देखते हैं कैसे मानते हैं। खाना खिलाना है अभी उनको, हम तो खा लिए हैं पर उनको भी खिलाना है, जो कि अभी सोई हुई हैं बाहर की तरफ। आप सभी को लेकर चलते हैं जहाँ पे हम लोग सोते हैं। तो दोस्तों हम लोग का आंगन है जो, वहाँ पर सोते हैं हम लोग, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं आप सभी को। ये हमारा रूम है, जो कि दोस्तों यहाँ इसमें बहुत गर्म होता है, और गर्मी का मौसम है, इसमें बहुत गर्मी होता है, तो इसलिए हम लोग बाहर में सोते हैं, ताकि खुला आसमान में सोते हैं, थोड़ा ठंडा मिलता है। इसमें पूरा अवस्था है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप सभी को लेकर चलते हैं अपनी पत्नी सोनम जी के ओर। तो दोस्तों देखिए खाना बना हुआ था, जो कि इन्होंने ही बनाया खाना, पर ये खाना खाई नहीं है और मैं खाना खा लिया हूँ। इसमें सब्जी है और नीचे रोटी है, लाऊं खाने के लिए तो नहीं खा रही हैं। मैं दोस्तों एक घंटे से मना रहा हूं, पर नहीं, देखिए हमारी बात नहीं सुन रही है। सोनम उठो। अरे काहे नहीं भूख लगा है, सुबह का खाना खाइयो, तुमको भूख नहीं लगा है? तुमको मार दिए एक लपड़ इसीलिए? तुम खाना खा लो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है? प्लीज सोनम खा लो खाना, देखो यहाँ पे रखा हुआ है खाना। तुम मुझसे नाराज हो ना, खाना से नहीं नाराज हो ना? काहे नहीं भूख लगा है, भूख लगा है तुमको, झूठ बोल रही हो तुम। तो ये देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो बोल रही है कि भूख नहीं लगा है हमको, आप जाइए सोइए, आप खा लिए ना। तो दोस्तों मैं तो खा ही लिया हूँ, पर इनको बोल रहा हूँ खाने के लिए। मुझसे नाराज हो ना, मुझसे बात करना, ठीक है? खाना खा लो, हमको भूख नहीं लगा है। भूख नहीं लगा है? हमारा कसम खाओ तो। हम कसम खाने खाने किसे? अच्छा मतलब भूख लगा है तुमको ना? नहीं हम कसम नहीं खाते, हम लगा। तो दोस्तों देखिए मैं कब से मना रहा हूँ, इनके लिए ही मैं मना किया पपीता जो नहीं खाना है, लेकिन उसी बात को लेकर के नाराज है ये, बोल रही हैं कि आप नहीं खिलाए मुझे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में
कि खिलाना चाहिए पपीता इनको, मैं मना कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए पपीता, इसीलिए मैं इनको नहीं खिलाया तो ये नाराज़ हो गई हैं। और तो पपीता खाने के लिए बोले थे, बोल इतना बोल दिए, और उस टाइम तो आप बहुत बोल रहे थे। तो खाना तुम किसके लिए बनाई? तो आपके लिए। अपने लिए नहीं बनाई हो? नहीं। तुमको नहीं खाना, उठ जाओ खा लो। हमको नींद आ रहा है, आप खा लो प्लीज खा लो। उस टाइम तो बोल रहे थे इतना, अभी का आकर एक घंटा से आप बैठे हैं, आपको तो नींद आता नहीं है। रात में भिजकते हैं, दिन में भिजकते हैं, और हम क्या करें दोस्तों, टेंशन इतना रहता है कि मैं कैसे सोऊं। बताओ तुम जो कि अभी खाना नहीं खा रही हो, नाराज हो एक बात, छोटी सी बात को लेकर के। तुम नहीं जानती हो, अगर पपीता मैं खिला देता तो तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत हो जाता तो कितना परेशानी झेलना पड़ता, कितने मुसीबत में आ जाते हम लोग। पपीता था, नुकसान नहीं करता। अच्छा, पका पपीता नहीं नुकसान करता है, कच्चा मतलब होता है जो वो खाने से होता है ना। तो ठीक है, मैं कल लाऊंगा, खिला दूंगा तुमको, अब मान जाओ। तुम खाना खा लो, मैं कल पपीता लेकर आऊंगा तुम्हें, पका हुआ पपीता, ठीक है? सही मिलाएंगे ना? हाँ सही मिलाएंगे, प्रॉमिस कीजिए। बता रहे ना, सही मिलाएंगे ना। पहले उठो तुम खा लो, लाएंगे तब। हाँ लाएंगे, कल लाएंगे। पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। मैं बोल रहा हूँ ना, सच में बता रहा हूँ, कल लाऊंगा तुमको मैं पपीता, लाऊंगा एकदम पका हुआ पपीता, लाऊंगा तुमको खिलाऊंगा अपने हाथ। नहीं लाएंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे। लाऊंगा, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ लाऊंगा कल, ठीक है? खाना खा लो, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, मैं मना दिया सोनम जी को, आप खुश हो ना? कल लाएंगे तब, नहीं तो आज खाना खा लेंगे। बाबू तुम खा लो, कल मैं तुमको लाऊंगा पपीता, ठीक है? मीठा एकदम। बोलते हैं हमको कितना, आप बहुत बोल रहे थे आप हमको। देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे नखरा करते हैं ना, वैसे नखरा कर रही हैं, बताइए। वो भी पपीता के लिए, वो भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, पर ये बता रही हैं कि पका हुआ खाना चाहिए, और जो होता है कांच होता है जो वो नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कल इन प्रॉमिस किया हूँ, कल इनको लाऊँगा पपीता और खिलाऊँगा अभी, ठीक है? और कोई दिक्कत होगा तुम मुझसे मत करना, ठीक है ना? नहीं होगा, बहुत लोग पेट में दर्द करने लगेगा तो क्या करोगी? नहीं करेगा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कल पपीता ला दूंगा पका हुआ, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द होगा या कुछ भी होगा तो मुझे मत कुछ कहना, ठीक है? ठीक है ना, अब खुश हो ना? खुश, मुस्कुरा दो इधर। अरे अरे अरे, तो दोस्तों देखिए मना लिया, खाना दें अब, खाना दें? कल नहीं लाएंगे तो हम आज खाना खाएंगे, कल नहीं। अच्छा मतलब आज का गुस्सा कल दिखाओगी ना? कल नहीं आएगा तब। अच्छा तो आ जाएगा तो खाना खाएंगे। पपीता खाओगी? पपीता भी और खाना भी। पपीता खाने का मन कर रहा है बहुत? अच्छा ठीक है, मैं कल ला दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, मैं उनको खाना देने जा रहा हूँ, सब्जी रोटी बनाया है दोस्तों। दो रोटी देना, एक रोटी बस, तब तो नहीं लाऊंगा, एक रोटी खाओगी तो नहीं लाऊंगा। आप भी खाएंगे? हम भी खाएंगे, हम खा लिए हैं। आप नहीं खाते हैं तो हम खाना कहाँ खाते हैं, आपको पता है ना? हम नहीं खाएंगे, हाँ आप खाएंगे। क्या? आप खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, अपने अपने हाथों से आप खाएंगे। थोड़ा तेज बोलिए, क्या कह रही हो? अपने हाथों से खिलाइए, नहीं खाए। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हुआ, हमारी सोनम जी मुस्कुरा दी, और जो गुस्सा नाराज हुई थी, जो कि अभी देख सकते हैं आप लोग, मान गई हैं। मैं कैसे मनाया इनको, कैसे हैंडल करना पड़ता है दोस्तों, एक पत्नी नाराज हो जाती है तो। ये देखिए, अरे अरे अरे, शर्मा रही हो कैसे? कल लाएंगे पपीता तुमको खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, खिलाएं। खा लो अपने हाथे, खा लो। मैं आप पहला कवर अपने हाथे से खिला। तो दोस्तों देखिए, मैं खिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये खाना नहीं खाते हैं तो मैं भी नहीं खाता हूँ। मैं आप सभी से झूठ बोला था दोस्तों,
और झूठ इसलिए बोले थे कि सोनम खाने के लिए उठेगी। फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि अगर ये खाना नहीं खाते तो हमको टेंशन रहता है कि ये खाना नहीं खाएंगे। मैं झूठ बोला था दोस्तों, आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमको पता था आप खाना नहीं खाएंगे, इसके लिए मैं झूठ बोल रहा था कि मैं झूठ बोलूँगा तो ये खाने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं खाता हूँ तो ये नहीं खाती है, मैं जब ये नहीं खाती है तो मैं नहीं खाता हूँ। इतना मैं हम दोनों प्यार करते हैं दोस्तों, और हम लोग तो लव मैरिज शादी के हैं, अपने मर्जी से शादी के हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। तो दोस्तों चलिए मैं इनको खिलाता हूँ, आ बोल आओ। तो हम खा लेंगे बाबू, तुम काहे परेशान हो रही हो। तुम प्यार करती हो मुझसे? नहीं करती हो? नहीं। तब जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। करता है तो कहा है, क्यों इतना गुस्सा थी? अब हमको बोल दिए थे, कभी भी नहीं बोले थे, आज बहुत हमको बोलेगा। क्या बोल दिया था? और हाथ भी उठाए थे मारने के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें कभी मारता हूँ? तुम ही ना जीत करने लगी पपीता खाने के लिए। हमको बहुत मन कर रहा था खाने के लिए। तो कल लाऊंगा, अगर नहीं लाऊंगा तो नहीं लाएंगे। तुम कल खाना भी नहीं खाएंगे। खाना भी खिला रहा हूँ, मैं भी खाना खा लेते हैं, हम दोनों खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप सभी को मिलेगा कल वीडियो, जो कि पपीता देखते हैं मिलता है तो लाते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं लाएंगे। वो भी मैं खिलाना नहीं चाहता हूँ पपीता। आप लोग बताइए कमेंट में, क्या पपीता खाना चाहिए प्रेगनेंसी में या नहीं, कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा दोस्तों, ताकि हमको पता चल जाए, हमको पूरा मतलब दोस्तों हमको पपीता के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, इसीलिए आप सभी से पूछ रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा दोस्त। अब खा लोगी ना? अब नाराज नहीं होगी ना कभी? नहीं लाएंगे तो पपीता नहीं लाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। अगर ला देंगे तो खाओगी ना हमेशा? कभी नाराज नहीं होगी ना? तो बस पपीता बोलते ही नहीं है, कल हमको इतना बोल दिए कि तो इसीलिए मतलब तुम सैड हो गई थी, मुझसे नाराज हो गई थी ना। तो चलिए अब नाराज नहीं होगी ना, कान पकड़ो। आप हमसे सॉरी बोलवा रहे हैं? हाँ, कान पकड़ो, तुम कान पकड़ो कि अब नहीं नाराज होगा। अब नहीं नाराज होगी? कान पकड़ो। अरे तो हमारा कान नहीं पकड़ना है ना, अपना कान पकड़ो अपना। नहीं, वो तो हम गलती करेंगे तो मैं अपना कान पकड़ूंगा ना, तुम अपना कान पकड़ो। एक कान हमारा है, एक कान अच्छा है। नहीं, पहले कान पकड़ो अपने हाथ है। क्या है? मेरा कान है। नहीं नहीं, तुम्हारा, तुम कान पकड़ो, जल्दी से बोलो सॉरी मैं नहीं ऐसा गलती करूंगा, अब तब मैं खिलाऊंगा तुमको पेट भर खाना। सॉरी अब नहीं करती हूँ। हाँ तो लो खा लो, बाकी पपीता नहीं आ रहा तो खाना लाऊंगा पपीता। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आप चलिए, काफ़ी रात हो गया है, तो आप सभी को गुड नाइट। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में हम लोग को बताइएगा कि प्रेगनेंसी में खाना चाहिए इनको पपीता या नहीं। तो दोस्तों आप चलिए।